घर के सिलेंडर में रेगुलेटर लगाने के दौरान गैस लीक होने से अचानक आग लग गई। पदमापुरा इलाके में हुई इस घटना में महिला का हाथ जल गया जबकि घर का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आज पूरे भारत देश और दुनिया के कई क्षेत्रों में गणेश जी का आगमन पूरे उत्साह और जोरों शोरों से किया जा रहा है। वहीं औरंगाबाद में गणेश जी के आगमन के समय लोगों को जोरदार बारिश का सामना करना पड़ रहा है। पार्थचर समाचार के औरंगाबाद प्रतिनिधि विश्वदीप तुपे ने बताया कि ये बारिश गणेश जी के आगमन पर सुबह से ही शुरू है जिसके चलते औरंगाबाद के काफी गणेश भक्तों को बारिश का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री और तालेकत साहू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत श्री सागर के फूलू मबरी नगर पंचायत कार्यालय का सद्भावना द्वारा करने पर ताली समुदाय ने उनका अभिनंदन किया। आज पूरे देश के लोगों को गणेश जी को अपने घर पर ले आने की उत्सुकता है। वहीं औरंगाबाद में भी गणेश जी के मूर्तियों की दुकानों पर गणेश भक्तों की बड़ी तादाद पर भीड़ देखने को मिली जिसमें वो लोग गणेश जी को अपने घर ले जाने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। मुंबई में अवैध ऊंची इमारतों का विशेष ऑडिट करने की मांग सामने आई है। नोएडा में ट्विन टावर को गिरने के बाद बीजेपी नेता किरण स्वामिया ने सीएम एकनाथ शिंदे से ये मांग की है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे गुट के बीच अब दशहरा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अब लड़ाई में राज ठाकरे भी कूद गए हैं। राज ठाकरे ने अब तक कुछ नहीं कहा है लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि राज ठाकरे महाराष्ट्र को संबोधित करें। देश में 2021 में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आत्महत्या की घटनाएं हुई है। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश आत्महत्या के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। देश में ऐसे 1,64,033 मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स अधिकारिक वेबसाइट। मुंबई उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि एक डेवलपर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद खेल के मैदान के लिए आरक्षित भूखंड के बगल में एक इमारत का निर्माण जारी रखने पर जोर दे रहा है और उसे नोएडा में सुपरटेक के अवैध टावर जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।